से आराम से जिला डॉक्टर से बात करो। वो जाए के लिए तैयार ना ना है भाई, चलो सबका घर यही है, या कुछ वो थोड़े ना रहा जाते हमेशा यहाँ ये सभी लोगों से अनुरोध है कि माननीय विधायक जी भी यहाँ हैं, आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइएगा, जो भी बात होगी माननीय विधायक जी आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस स्थान को खाली कर दीजिएगा। आप बता दीजिए मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो है हमारे उन सबसे अभी अपने घर चले जाइए, सबको अभी मिट्टी की हम लोग खबर दे देंगे, आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, हम समझ सकते हैं आपके मोहब्बत को, आप हम समझ सकते हैं, पर आप लोग देखिए ऐसे करने से कुछ नहीं। अगर आप हमदर्द हैं तो ऐसी आप बात नहीं करेंगे। कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार का कोई हमदर्द है जिसको दुख है वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं समझाइए बाबू। देखो हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोगों की बात मान जाइए, इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए, हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए, आप लोगों के हाथ में हम लोगों की इज्जत है, आप लोग चले जाइए। हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत गमगीन हैं, सब लोग चले जाइए, सब लोग वापस जाइए। जैसी सूचना आप लोगों को मिलेगी कल दिया जाएगा मिट्टी के बारे में, जीने के बाद ही कुछ होगा, इसलिए कि वहाँ से आने में टाइम लगेगा, पोस्टमार्टम भी वहाँ होना है, इसलिए आप लोग चलिए। प्लीज हम लोगों की बात मानिए, आप लोग प्लीज मानिए। माननीय विधायक जी भाई कह रहे हैं यार, इसी बात के लिए तो आए हैं, ठीक है लोग चले जा रहे हैं, भाई आप लोग चलिए बात मानिए लोग, सब लोग जाइए, आपके मोहब्बत को समझ रहा हूँ। तीन लोग होना चाहिए।